ऑल्सो एड सम मोर अबाउट नाउन्स डेट्स वाई दीज आर ऑल्सो और ये शब्द जो होते हैं वो नाउन के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं इसलिए इन्हें एडजेक्टिव यानी विश्लेषण भी कहा जाता है बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिन की आर्टिकल्स डेमोन्ट्रेटिव क्वान्टिफायर पोजेसिवसिवस और प्रीडिटर्मिन सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स

एंड सुपरलेटिव डिग्री द का इस्तेमाल जो होता है वो के साथ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही उन देशों से पहले या उन राज्यों से पहले जिनकी व्याख्या की जा सकती है यानी शोर्ट फॉर्म में वो लिखे जाते हैं जैसे की दू एस एड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द यूके बिफोर द नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक से पहले फॉर एग्जाम्पल द कुरान द गीता बिफोर द नेम ऑफ न्यूज पेपर्स नेम्स ऑफ रिवर्स कैनल सीज ओशियंस बेज गल्फ्स एंड ग्रुप ऑफ आईलैंड नदियों के नाम से पहले जैसे कि द गंगा खाड़ियों के नाम से पहले जैसे द बे ऑफ बेंगोल एटसेट्रा इनके अलावा बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन

डिनोट किया जाता है जैसे द काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल यानी यहां बात हो रही है पूरी कैटेगरी की अब बात करते हैं आर्टिकल की। इनका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है वो नाउन जिनकी हम गणना कर सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ ए यूज बिफोर ऑल सिंगुलर कॉमन नाउंस बिगिनिंग विद जो कि कंसनेंट से शुरू होते हैं शब्द उनसे पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है consonant मतलब जैसे कि सोंग बॉय का फर्स्ट वर्ड कंसनेंट, सोंग का फर्स्ट वर्ड कंसनेंट, ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है सेकेंड पॉइंट इफ अ वर्ड बिगिन वोवल बट गिव द साउंड ऑफ द कंसनेंट अगर कोई भी शब्द वोवल से शुरू होता है लेकिन कंसोनेंट का इसमें साउंड आता है तो ए तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं इट इज डैश यूजफुल वर्क यूजफुल से पहले हमको आर्टिकल लगाना है यूजफुल का पहला शब्द है यू लेकिन इसका साउंड जो शुरू होता है यू से शुरू होता है तो इट इज कंसिडर्ड एज कॉन्सोनेट तो इसलिए इससे पहले ए का इस्तेमाल हम कर देते हैं और वैसे ही अगर अपने बात करें एन की तो यहां एग्जाम्पल हम देख सकते हैं का शुरू होती है एच से लेकिन साउंड जो आता है वो आता है वोवल का इसलिए इससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं एन का द सेम थिंग एब्रीवेश MA MA, तो दोबारा मैं आपको बता दू सबसे आसान तरीका है ए और एन में डिफरेंस पता लगाने का कि कहा हम ए लगाएंगे और कहाँ एन का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम देखेंगे उस शब्द का साउंड जिससे पहले हमें ए या एन का इस्तेमाल करना है अगर वोवल का साउंड आता है तो एन अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो ए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स वेयर ओमिटेड। यानी वो कौन से स्थान है जहां आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते हैं बिफोर लैंग्वेजेस भाषाओं से पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं यानी कि जहां फीलिंग की बात आ जाती है जैसे क्राई है वीपिंग है लाफ है तो इनसे पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है बिफोर द नेम ऑफ मेटल्स धातुओं के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता बिफोर द नेम ऑफ मील्स खाना खाने से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है बिफोर द नेम ऑफ गेम्स खेलों के नाम से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है एंड बिफोर कलेक्टिव नाउन्स एंड प्रोपर नाउन्स नाउंस की बात करें नाउन्स पांच टाइप के होते हैं फर्स्ट वन इज प्रोपर नाउन सेकेंड वन इज कॉमन नाउन थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन फोर्थ वन इज मेटीरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज एबस्ट्रैक्ट नाउन तो ये पांच नाउन होते हैं पहला प्रॉपर नाउन 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 जिसे हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं अनेम दैट इज गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया नाम प्रोपर नाउन कहलाता है सेकेंड वन इज कॉमन नाउन कॉमन नाउन अनेम दैट इज गिवन टू ऑल द थिंग्स

सम एंड एनी की सबसे पहले सम, सम का इस्तेमाल जो होता है यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ज्यादातर उनमें इस्तेमाल जो किया जाता है वो सम का किया जाता है इन अ क्वेश्चन इट शोज सम रिक्वेस्ट अगर कहीं रिक्वेस्ट की बात आती है प्लीज काइंडली की बात आती है तो ऐसे ही सेंटेंसेज में सम का इस्तेमाल किया जाता है यूज इन अ क्वेश्चन और नेगेटिव नेचर यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन जब सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं उनसे पहले भी सम का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल देर इज सेंटेंस है टाइप ऑफ अ क्वेश्चन नेचर अब बात करते हैं एनी की एक तरफ जहां सम का इस्तेमाल अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस में होता है वहीं दूसरी ओर एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है इंटरोगेटिव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और उन सेंटेंसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं इफ हार्डली स्ट्रेसली एंड बेयरली जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करें देर इज नॉट एनी शुगर इन द पॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां एनी का इस्तेमाल कर दिया गया है आर देयर एनी गर्ल्स इन द क्लास इंटेरोगेटिव फॉर्म आई हैव हार्डली एनी मनी इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हार्डली का इस्तेमाल हमने किया है तो ऐसे सेंटेंसेस में भी एनी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं use of much and many. ये बहुत आसान है much का है का इस्तेमाल होता लार्ज क्वांटिटी के लिए मात्रा बताने के लिए और मैनी का इस्तेमाल होता है अ लार्ज नंबर ऑफ के सेंस में यानी संख्या बताने में फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव मच मनी दे डोंट बाई मैनी बुक्स एवरीडे यहाँ बुक्स जो है काउंटेबल जिनकी हम गणना कर सकते हैं उनसे पहले लग जाता है मैनी और मनी जिसको हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं क्वांटिटी के रूप में प्रयोग करते हैं उससे पहले लग जाता है यूज ऑफ दिस और की यूज ऑफ दिस एंड दीज फॉर नियरनेस ये दोनों शब्द जो हैं वो नजदीक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इस्तेमाल करते हैं हम डिस्टेंस के लिए दूरी के लिए एंड वर्डो यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ सम एग्जाम्पल देख लेते हैं टेबल ये जो किताब है जो आप पढ़ रहे हैं काफी ज्यादा अच्छी है उस बुक से जो कि टेबल के ऊपर रखी गई है तो एक चीज और क्लियर हो जाती है यहां इस सेंटेंस से वो ये कि दिस और दैट का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है सिंगुलर नाउन यानी एक वचन नाउन जो होते हैं उनके लिए हम दिस या दैट का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दीज गर्ल्स हेयर आर क्लेवरर देन दोज ओवर देयर यहां जो गर्ल्स हैं वो काफी चतुर चलाक हैं उन लड़कियों की अपेक्षा तो यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लूरल नाउन का इसलिए दीज और उसी के सेंस में दोज दूरी के लिए दोज नजदीक के लिए दीज नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ फ्यू फैमिली एंड लिटिल फैमिली फ्यू ए फ्यू द फ्यू फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट लिटिल ए लिटिल द लिटिल लेस एंड लीस्ट तो सबसे पहले व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू और वो ये है कि फ्यू का जो इस्तेमाल होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं फैमिली ऑफ लिटिल यूज बिफोर क्वान्टिटी ऐसे नाउन से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां ये क्वान्टिटी बताते हैं मतलब है, तो ये दोनों में फैमिली ऑफ फ्यू की यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स विध प्लूरल नाउन्स ऑल्सो तो सबसे पहले फ्यू का इस्तेमाल फ्यू का इस्तेमाल जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है इनफैक्ट ऑलमोस्ट नन न के बराबर जिसको कहा जाता है संख्या तो हो आपके पास कोई चीज तो हो लेकिन न के बराबर हो अ फ्यू सम एट लीस्ट यानी यू आर हैविंग द थिंग इन अ स्मॉल नंबर कुछ आपके पास है जिससे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एग्जांपल देख लेते हैं फ्यू का देयर इज अ टोटल लॉकडाउन इन द सिटी सिटी में पूरी तरह से लॉकडाउन है फ्यू शॉप्स वर ओपनड न के बराबर ही शॉप जो हैं वो खुली हुई हैं और बात करते हैं ए फ्यू की I have a few books of English, so you can take one of them. मेरे पास इंग्लिश की कुछ किताबें हैं जिनमें से आप कोई भी एक किताब लेकर जा सकते हैं नेक्स्ट इज द फ्यू द फ्यू के इस्तेमाल की बात करें तो हमें ये मालूम है कि द का इस्तेमाल किसी चीज को पार्टिकुलर बनाने में या विशेष बनाने में किया जाता है तो वैसा ही यहाँ इसका इस्तेमाल किया गया है द फ्यू रूपीज ही हैड वर् स्टोलन देर आर टू क्लोजिज इन देंटेंस दो क्लोज है इस सेंटेंस में एंड बोर्डिज दू रुपीज रुपए उसके पास थे वर्स टोलन, वो चोरी हो चोरी कौन हो गया? और उसके पास क्या थे रुपए रुपीज वी आर मेकिंग दिस वर्ड एज अ पार्टिकुलर इन द सेंटेंस तो इसलिए इससे पहले द फ्यू लगा देते हैं नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूअर इट इज अ कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू एंड नेक्स्ट है द फ्यूएस्ट इट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फ्यू फॉर एग्जाम्पल दैट शॉप हैज द फ्यूएस्ट कार्स अब बात करते हैं लिटिल फैमिली की दीज आर यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस और टू डिफाइन क्वांटिटी ये हमने बात कर ही ली थी सबसे पहले लिटिल नॉट मच या हार्डली यानी ना के बराबर अ लिटिल एटलीस्ट सम यानी कि कुछ है हमारे पास जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं द लिटिल की बात करें मीन्स द होल अमाउंट पूरी अमाउंट के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो आई हैव गिवन अप द लिटिल होप आई हैड वही सेम कंडीशन है जैसा कि हमने इस्तेमाल किया था द फ्यू में आई हैव गिवन अप वट होप आई हैड वट होप तो इस कंडीशन में होप को वी आर मेकिंग द पार्टिकुलर वन इसलिए इससे पहले लग जाता है द लिटिल लेस की बात करें इट इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल ई वोट लेस ऑइल यस्टरडे देन टूडे जब तुलना करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट है द लीस्ट इट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल एग्जाम्पल राम गोड द मोस्ट चॉकलेट्स शाम गोट द लीस्ट नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ईच एंड एवरी ईच का इस्तेमाल देखते हैं वेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड जब लिमिटेड नंबर हों डेफिनेट हूं या फिर टू और मोर देन टू थिंग्स दो या दो से ज्यादा चीजें हों टेकन वन बाई वन एक एक करके ली जाती हैं तो ईच का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें संख्या के बारे में निश्चित रूप से पता हो फॉर एग्जाम्पल ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली फेल इल मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य बीमार हो गया ही वॉज हर्ट इन ईच लेग नेक्स्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ द स्कूल ऑफ दिस एरिया हैज़ गवर्नमेंट अप्रूवल हमें मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं इस एरिया में उनकी संख्या कितनी है या पार्टिकुलर वन कितने हैं तो उनमें से हम चूज कर रहे हैं अब बात करते हैं यूज ऑफ एवरी की एवरी मीन्स वेन द नंबर इज इनडेफिनेट जब हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी संख्या है एंड टेकन हैज होल ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स और जब पूरी संख्या को एक साथ ले लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही visits हिज अंकल एवरी वीक वह अपने अंकल के घर हर हफ्ते जाता है नेक्स्ट आई लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी में मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं और एक बात और वो याद रखने की है वो ये कि बोथ ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर वर्ब इन दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ आइदर और नाइदर बोथ आर यूज फॉर पॉसिबल च्वाइस बिटवीन टू आइटम्स पॉसिबल च्वाइस के लिए जब हमारे पास दो आइटम है उनमें से च्वाइस के लिए बात करेंगे तो आइदर या फिर नाइदर का इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले आइदर का मीन्स वन और दर ऑफ टू और ईच ऑफ टू वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल सेंटेंस और इन एफरमेटिव सेंस वी हैव टू यूज आइदर फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट टी एंड कॉफी सो यू कैन हैव आइर मीन्स वन और दर मैंने चाय और कॉफी ले ली है आप चाहे तो एक ले सकते हैं चाहे दोनों ले सकते हैं यू आर है चौसेज अगर निधर की बात करें इन द सेंस ऑफ नेगेटिव दर्स्ट और नॉट द सेकेंड वन ना तो पहला और ना ही बाद वाला एग्जाम्पल देखें बाई द वे निदर राम नोर आई ड्रिंक कॉफी ना तो राम और ना ही मैं कॉफी पीते हैं लास्ट जो आता है हमारा वो है यूज ऑफ एन अदर एंड अदर सबसे पहले अनदर एन प्लस अदर दो शब्दों से मिलकर बना है मींस एक्स्ट्रा और वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं क्लियर हो जाएगा वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी यानी आपने एक चाय तो पी ली है क्या आप दूसरी चाय चाहे पीना चाहेंगे मींस यू हैव टेकन वन डू यू वांट द एक्स्ट्रा वन इन दैट केस वी हैव टू यूज अनदर और अदर के सेंस में अपने देखें डू यू हैव अदर बुक्स ऑफ महात्मा गांधी अपार्ट फ्रॉम हिंद स्वराज क्या आपके पास दूसरी और भी किताबें हैं गांधी जी की हिंद स्वराज को छोड़कर आई होप आपको ये टॉपिक डिटरमिन समझ में आ गया होगा वीडियो पोज करें और नोट्स बनाए ताकि आपका रिविजन बेहतर तरीके से हो सके वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें सो so देट मेरा भी कॉन्फिडेंस ग्रो हो ताकि मैं आपके लिए बेहतर इससे भी बेहतर वीडियोज लेकर आ सकूं और हां सब्सक्राइब करना भी ना भूलें खुश रहें आबाद रहें मुस्कुराते रहें आगे बढ़ते रहें तैयारी करते रहें और देखते रहें स्टूडेंट्स मीट चैनल टेक केयर थैंक यू वेरी मच